सुबह उठते ही कबीरदास जी अपने घर में भजन कीर्तन करते। उनके घर पर मित्र का जमावड़ा हो जाता था, वहीं पर भजन कीर्तन नाच गाना होता था। यही नहीं, कबीरदास जी आए हुए सभी को खाना खिलाकर भेजते थे। रोज़ 100 मित्रों उनके यहाँ आते हैं और सभी को खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देते। इससे उनकी पत्नी और बेटा परेशान हो गए थे। घर में राशन पानी खत्म हो रहा था, घर कर्जे पर चल रहा था। एक दिन कबीरदास जी ने मित्र को खाने का न्योता दे दिया, लेकिन पत्नी परेशान, घर में राशन खत्म हो गया था, तो वह पीछे के दरवाजे से राशन की दुकान पर गई और दुकानदार को राशन देने के लिए बोली, मैं तुम्हें राशन नहीं दे सकता, पहले तुम पुराने कर्जे चुकाओ। दुकानदार ने कहा, तब वह विनम्र से बोली, मेरे पति के आदेश पर घर आए मित्र खाना खिलाना है। दुकानदार बोली, ठीक है, मैं तुम्हें राशन दे दूंगा, लेकिन बदले में जो तुमसे मांगूंगा वह तुम्हें देना होगा। कबीरदास की पत्नी अत्यंत सुंदर थी, दुकानदारों उसे गंदी नज़रों से देखने लगा था। दुकानदार ने कहा, आज रात तुम मेरे घर पर आ जाना और मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। वह थोड़ी देर सोचने लगी और दुकानदार से बोली, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, अभी के लिए मुझे और राशन पानी दे दो। अब शाम हुई, सभी मित्र चले गए, पत्नी तैयार सज धज के बैठी थी, लेकिन बाहर मूसलधार बारिश हो रही थी। कबीर ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है, तुम तैयार होकर क्यों बैठी हो, कहीं जाना है क्या? तब उसने सारी बातें कबीरदास जी को बताई। ठीक है, चली जाओ, कबीरदास जी ने कहा, लेकिन इतनी रात को वो भी तेज बारिश में तुम कैसे जाओगी? चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। छाता लेकर दोनों निकल गए। दुकानदार के घर पर पहुँचने पर दरवाज़ा खटखटाया। वह दुकानदार उसी का इंतज़ार कर रहा था। पहले तो उसे लगा कि वह नहीं आएगी, उसने मुझे धोखा दे दिया। दरवाज़ा खोला तो वह सामने खड़ी थी। दुकानदार थोड़ा डरा, उसने सोचा कि कबीरदास जैसे संत की पत्नी इतनी आसानी से कैसे मान गई। उसे डर लगने लगा जब उसने देखा कि बारिश में भी उसके कपड़े भीगे नहीं हैं। दुकानदार ने उसे पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? महिला ने जवाब दिया, स्वयं मेरे पति मुझे छोड़ने यहाँ आए थे। तो वह दुकानदार हक्का बुक्का रह गया, वह लड़खड़ाने लगा। कबीर जी के पास दुकानदार सुअर रोते हुए गया और उनके चरणों में गिर गया। हे प्रभु, मुझसे अनजाने में यह गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। दुकानदार को उसकी करने का बहुत पछतावा हुआ। आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा। हमारी अन्य वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद। लाइक ज़रूर करें।